अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग क्या कह रहे होंगे। तो जी आज आप देख रहे हैं हमने तैयारी शारी की हुई है। कहाँ जा रहे हैं हम आज? जी हम उनको लेके जा रहे हैं फिर से डॉक्टर के पास। आज उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, उनमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। आई होप कि सब कुछ बेहतर होता है इंशाल्लाह। जी जो है अभी रेडी नहीं हुई, वो रही हैं, तो जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे फिर हम निकल जाएंगे। अभी तक हमारे पास सुबह के 10 बजे हैं और जी गाड़ी भी तकरीबन आने ही वाली है, तो अम्मी जल्दी से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जी हम निकल जाएंगे। हो गई है थोड़ी सी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शुगर भी लो है, तो मैंने कहा कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें क्योंकि आज रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो इसलिए वो थोड़ी सी टेंस है कि पता नहीं क्या रिपोर्ट्स में आएगा, तो मैंने कहा आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। तो जी भाई फ्रूट से कहें मैंने तो जल्दी से फ्रूट थोड़ी सी काट कर उनको खिला दूँ ताकि अगर टेंशन भी लें तो तबीयत जो है वो ख़राब ना हो। फिर पहले तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सैलेड खिला देती हूँ क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अगर टेंशन लें तो तबीयत खराब ना हो। मैं खुद भी थोड़ी खा लेती हूँ क्योंकि इनसे ज़्यादा टेंशन मुझे होती है। तो एक्सरे भी आपको दिखाती हूँ, मम्मी के जो एक्सरे करवाए हैं टांगों के उसमें काफ़ी सारा गैप है, वो एक्सरे भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इनको अच्छे से वॉश कर लूँ। तो मैंने कि जल्दी जल्दी मैं फ्रूट तैयारी बना रही थी, वो जी गाड़ी वाला जो है काफ़ी देर से वेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लग गया उनको भी रेडी में, थोड़ा मुझे भी क्योंकि आपको बताया कि सुबह सब ड्राइव के बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं। तो जी आपको पता है कि CMHA में कोई सी अलाउड नहीं है वहाँ पर वीडियो बनाना, तो वहाँ भी उसी मैंने जो है बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई थी, तो कोशिश करूँगी कि अगर आज बन सकती तो वो भी बनाकर आपसे जरूर शेयर करूँगी, और इसके साथ ही जो रिपोर्ट्स आएंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और जल्दी जल्दी जो है मैं लोगों की प्लेट रेडी करी, वैसे बनाना खाने से जो है डॉक्टर ने मना किया है लेकिन कोई बात नहीं, एक बनाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी सारे फ्रूट्स जो हैं मिक्स करके खाएं तो और किसी हर फ्रूट से आपको एनर्जी मिलती है। और आप मज़े से खा भी लेते हैं, उसका जायका जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑरेंजेस का मौसम क्या आ गया है, तो ऑरेंजेस की जो है आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें भी कैल्शियम की कमी हुई है विटामिन डी की, तो जो ऑरेंज है उसको पूरा कर देते हैं, सॉरी विटामिन डी की। जी इनकी प्लेट जो है रेडी हुई, घर में भी आमतौर पर मैं इनको ऐसे ही बना कर देती हूँ, तो इससे जो है हर फूड की एनर्जी भी मिल जाती है और पेट भी भर जाता है। फ्रूट्स खा रही हैं, इसके साथ ही मैं आपको दिखा दी थी मुझे एक्सरे जो कि आज डॉक्टर को दिखाने हैं। डॉक्टर ने मैं कहा था कि आपने ये एक्सरे करवाने हैं इनकी टांगों के, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब अच्छे से हाथ साफ कर लूँ। तो
ये जी देख सकते हैं आप, ये जो हड्डियां हैं इनमें काफ़ी गैप आ गया है, और एक जो हड्डी ये देखें इस साइड वाली, ये बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। इसी तरीके से और भी दो तीन, यानी कि उन्होंने ये वाली जो हड्डी आप देख रहे हैं ये घुटने की, ये अलग हो गई है, और ये वाली जो है ये टेढ़ी हो गई है, यहाँ से थोड़ा सा गैप भी आ गया है। और मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ, वो जी फ्रंट का था, ये बैक का है। ये देखिए बैक में भी आप देख सकते हैं वही जो हड्डी मुड़ गई है, ये देखिए उसमें गैप है, और जिसमें इस वाले में भी काफ़ी हद तक, ये देखिए। तो आज रिपोर्ट्स वगैरह जो करवाई हैं वो भी आ गई होंगी, तो वो जाकर फिर हम ले लेंगे और देखेंगे क्या रिपोर्ट्स में, खून की रिपोर्ट्स में और क्या क्या मसला है। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद करेंगे कि सब कुछ बेहतर होगा। आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह के लिए सब कुछ बेहतर हो। ओके जी, अब वैसे ही टाइम हो चुका है, अब हम निकलते हैं। मैं कोशिश करूँगी वहाँ जाकर भी मैं जो है वीडियो बनाऊँ और आपको शेयर करूँ। हॉस्पिटल में जरूरत पड़ जाए अपनी रिपोर्ट देखने के बाद, अपनी जरूरत पड़ जाए खाने की, तो इसलिए जी मैंने कहा साथ ले जाती हूँ। हो गए हैं तैयार है, मैंने एक पैर से बना लिया है, उसके रिपोर्ट वगैरह हैं, कुछ रूट्स हैं, दवाइयाँ छुवाइयाँ हैं, जिनमें से वो घर से निकलने लगे हैं।